नमस्कार, मैं प्रिया धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं किश्त बिना EKYC के ही किसानों के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को पीएम किसान से जुड़े करोड़ों किसानों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 2 करोड़ से अधिक किसानों को यह तोहफा 1 जनवरी को नहीं मिलने वाला है। विशेषज्ञों ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जुताई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस इसकी तस्दीक भी दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण होने जा रहा है। 3 जनवरी से अब बच्चों को भी कोरोना की खुराक दी जाएगी। वैक्सीन की डोज लेने के लिए कल यानी कि 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। बच्चों को किस कंपनी की वैक्सीन दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, इसकी पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को नए साल का जश्न घर पर रहकर ही मनाना होगा। ओमिक्रॉन जिस तरह से देश में अपने पैर पसारता जा रहा है, उसे राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसको देखते हुए सरकारों ने एहतियाती कदम उठाते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कई राज्यों में घर से बाहर न्यू ईयर पार्टी करने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज बंद है और दफ्तरों में भी 50% उपस्थिति के साथ काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार देश के हजारों शिक्षकों को नए साल का तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2022 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली पर शिक्षकों के पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। इस समय देश भर में करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें शिक्षकों के 6000 से ज्यादा पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड की वजह से इस दौरान 220 लोगों की जान चली गई है। मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,764 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 7,585 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 91,361 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट अब 98.36% हो गया है। देश में कोरोना से अब तक 4,81,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में इससे सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन को लेकर अपडेट दिया है। मंत्रालय के मुताबिक देश में नए वेरिएंट के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,270 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज है, इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में है। चेन्नई शहर में कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद करंट लगने से 3 लोगों की जान चली गई है। बारिश के चलते सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक बीते दिन विशेष रूप से माउंट रोड पुनमल्ली रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। वहीं चेन्नई शहर से कई स्थानों पर भारी बारिश के बाद करंट लगने से 3 लोगों की जान जाने की जानकारी निकल करके सामने आई है, जबकि अन्ना नागाटो इलाके में VR मॉल के छत पर एक हिस्सा भी टूटकर गिर गया है। उत्तर भारत में सर्दी एक बार फिर रंग दिखाने लगी है। गुरुवार को दिल्ली में सीजन की दूसरी सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई है, जबकि नए साल का स्वागत करने के लिए पहाड़ की बर्फीली हवाएं भी दिल्ली पहुंच गई हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी दिशा में चल रही हवा अब उत्तर पश्चिमी हो गई है। 3 नए कृषि कानून की वापसी के बाद खत्म हुए किसान आंदोलन के बाद से भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना अभियान तेज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में वेस्ट यूपी के कुछ जिलों में जन विश्वास रैली के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अमित शाह जैसे दिग्गज नेता ने खुद इस इलाके में कमान संभाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम यूपी की 73 सीटों पर आंदोलन वापसी के बाद भी किसान फैक्टर रहने वाला है। महामारी COVID-19 ने इस साल अप्रैल मई में देश भर में कोहराम मचा दिया है। सितंबर अक्टूबर में लोगों के बीच उसका खौफ खत्म हो रहा था कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया है। इस नए वेरिएंट की दहशत के कारण भारत के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। केंद्र सरकार बेघर और बिना राशन कार्ड वाले बेसहारा लोगों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही एक योजना लाने वाली है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने गुरुवार को बताया कि सरकार बिना राशन कार्ड वाले बेघर और बेसहारा लोगों का आंकड़ा जुटा रही है, ताकि उन्हें भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ मिल सके। ये कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा है कि घर का पता या सही पहचान नहीं होने के कारण राज्य सरकारें इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाती। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पूर्ण मंजूरी के लिए देश
के दवा नियामक और स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन किया है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत एस्ट्राजेनेका के कोविड 19 वैक्सीन का उत्पादन करती है। भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग वाराणसी में युवा महाकुंभ आयोजित करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली को संबोधित कर सकती है। भाजपा सांसद और पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि भाजपा के युवा मोर्चा काशी में एक विशाल आयोजन करेगी, जिसे युवा महाकुंभ का नाम दिया गया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में आयोजित होने वाली इस रैली में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा युवा शामिल हो सकते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में टकराव अभी थमता नहीं दिख रहा है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर अलग अलग रैलियों में नजर आते हैं। यही नहीं, दोनों की ओर से अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन भी सार्वजनिक तौर पर किया जा रहा है। इसके चलते टिकट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अभी 27 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पाई है। इन सीटों पर मौजूदा विधायकों की सर्वे रिपोर्ट गलत मिली है। संसदीय समितियों की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति की दर क्या है? राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने सांसदों की इन बैठकों में हाजिरी से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। सांसदों को इस बैठक में आने के लिए विशेष भत्ता दिया जाता है। इसके तहत जो भी सांसद इस बैठक में आते हैं, उनके एयर टिकट का 25% हिस्सा वहन किया जाता है। राज्यसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि राज्यसभा सचिवालय को इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते भड़काऊ भाषणों के मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। यह याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद और मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के खिलाफ की गई है। इसके साथ ही महमूद असद मदनी ने दाखिल की है। इस याचिका में देश भर में हाल ही में दिए गए भड़काऊ भाषणों का जिक्र किया गया है और मांग की गई है कि इस मामले की जांच के लिए निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि साल 2021 के अंत तक सभी लोगों को दोनों वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि देश अभी वैक्सीन से दूर, एक और जुमला चकनाचूर। उन्होंने तीसरी लहर से संबंधित एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसमें तीसरी लहर का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश सरकार से पाकिस्तान के संस्थापक पिता मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखे गए गुंटूर के जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग की है। महात्मा गांधी रोड पर गुंटूर के केंद्र में स्थित जिन्ना टावर साल 1945 के आसपास बनाया गया एक लंबा स्मारक है। इस टावर में गुंबद के आकार की संरचना के साथ 6 पिलर है और इसे स्थानीय लोगों द्वारा सद्भाव और शांति का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, स्थानों को जिन्ना सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। कोविड 19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन कोर्बोवैक्स को भारत में लॉन्च करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। ह्यूस्टन के टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के सहयोग से कोर्बोवैक्स वैक्सीन को तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए प्रोटीन बेस्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड की 19वीं किश्त जारी करने की मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बिक्री के लिए खुली रहेगी। राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड पेश किया गया था। हालांकि विपक्षी दल ऐसे बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे मुल्क इस वक्त कोरोना का कहर झेल रहे हैं। अमेरिका में 4 लाख तो ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की हेल्थ अथॉरिटीज का दावा है कि ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट फिलहाल इतना खतरनाक नजर नहीं आता। बीते साल पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प के बाद दोनों देश में तनाव बदसूरत कायम है। इसके साथ ही सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई राउंड की बातचीत के बावजूद विभिन्न बिंदुओं पर तल्ख ही बरकरार है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन अभी भी उकसावेपूर्ण कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदले जाने के बाद अब उसने एक और कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन अब सीमा पर मशीन गन से लैस रोबोट की तैनाती कर रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर 5% ही जीएसटी रखने का फैसला किया गया है। पहले सरकार की तरफ से टेक्सटाइल पर 12% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि मौजूदा समय में टेक्सटाइल पर 5% जीएसटी लगाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी में किस तरह के बदलाव को लेकर अभी राज्य की सहमति है। 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर कर को 5% से बढ़ाकर 12% करने के लिए अधिसूचित किया था। देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन खतरों
देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा धीरे धीरे फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान के उदयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 73 वर्षीय कोविड 19 मरीज की जान चली गई है। 25 दिसंबर को उनकी टेस्ट रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई थी। राजस्थान सरकार के अनुसार 15 दिसंबर को कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट मिला था और जीनोम अनुक्रमण में 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन मौजूद था। जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है, कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है। देश में हर बार अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक गाड़ियां कंपनी अपने ग्राहकों के लिए निकाल रही है। वहीं टोयोटा ने इन सब से अलग हटकर धमाल किया है। टोयोटा अल्ट्रा कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार टोयोटा सी प्लस स्पॉट को इंडिविजुअल कस्टमर के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। हालांकि कंपनी ने सिर्फ अभी जापान में इसे लॉन्च किया है। NEETPG काउंसलिंग में देरी और पुलिस द्वारा डॉक्टरों के साथ कथित बदसलूकी को लेकर आंदोलनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार को अपनी 14 दिन की देशव्यापी हड़ताल वापस ले ली। दोपहर 12 बजे से सभी डॉक्टर अपने काम पर लौट आए हैं और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त के बीच एक बैठक के बाद हड़ताल का आह्वान किया गया था। प्रदेश के उद्योगपति और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में अग्रणी दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने छापे की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 20 लाख रुपए रिश्वत देने के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। GBL के डायरेक्टर से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है। प्रदेश के सीनियर IPS के भाई और दिलीप बिल्डकॉन के पार्टनर देवेंद्र जैन को कोची में CBI ने हिरासत में लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे गृहमंत्री अमित शाह आज अयोध्या पहुंचे। गृहमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लगभग 1.5 घंटे की देरी से रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या सरयू तट के किनारे बने अस्थायी हेलीपैड पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसके बाद वो सड़क मार्ग से रामलला का दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे थे, जहां वो रामलला की आरती में शामिल हुए थे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बाद DGGI टीम ने इत्र व्यापारी सपा MLC पुष्पराज जैन के यहां पर छापेमारी की है। पुष्पराज जैन सपा MLC भी है और इन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था। 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने समाजवादी परफ्यूम भी लॉन्च किया था। देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने एक्टिव मोड में नजर आ गया है। इस बार कोरोना अपने नए अवतार ओमिक्रॉन के रूप में धरती पर उतरा है। सबसे अधिक केस दिल्ली और महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर को सिनेमा हॉल थिएटर और मल्टीप्लेक्स को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ही फिल्म मेकर करण जौहर ने भी सिनेमाघरों को खोलने की गुहार लगाई थी, जिस पर अब वो बुरी तरह से ट्रोलर्स का सामना कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजीव कुमार, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, प्रिया यादव, नुन्नू कुमार, मोहम्मद मिराज आलम, विवेक कुमार, आध्यात्मिक ज्ञानू, टीकू शर्मा, निधि चौधरी, गजेंद्र सिंह, विक्रांत चौधरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस साल की सबसे राहत भरी खबर आपने क्या सुनी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।